हेलो फ्रेंड्स, न्यू कोर्स, ये न्यू कोर्स के अंदर सारे बच्चों का एक जेनरिक सा सवाल है कि सर न्यू कोर्स में नया क्या है। तो जो बच्चे बिल्कुल फैक्ट सुनना चाहते हैं, ट्रूथ सुनना चाहते हैं, टू द पॉइंट सुनना चाहते हैं और रियलिटी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और जिनको सिर्फ खुशफहमियाँ पालनी है, कुछ अच्छी अच्छी बातें ही सिर्फ सुननी है और कोई भी कट टू कट बात नहीं सुननी, वो वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कट टू कट बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। न्यू कोर्स में न्यू क्या है, फ्रॉम सीए इंटर फाउंडेशन टू फाइनल क्या नया है, क्या कोर्सेज बदले हैं, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या आपके लाइफ में बेनिफिट होंगे, क्या ये मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है, क्या ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है या बिल्कुल टेक्नोलॉजी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्या ये मॉडर्न कोर्स आपके अकाउंटिंग फिनेंशियल स्किल को पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। इस टाइप से बात करने वाला मैं पहला इंसान हूँ। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली कि मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट रह चुका हूँ। आपके ICI के NIRC WIRC के डिफरेंट क्लासेस लेक्चर्स में इन्वाइटेड विजिटिंग फैकल्टी की तरह लेता हूँ। LVC के लेक्चर मैं ले चुका हूँ। बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए आपके लिए बहुत सारे स्टडी मैट मैं लिख चुका हूँ। फिर ये बातें मैं कर रहा हूँ। बच्चों, दो लाइन की बात सुनना चाहते हो तो न्यू कोर्स में न्यू जैसा कुछ भी नहीं है। ये 30 साल पुराना सिलेबस है जो आपको बहुत सारा मीडिया एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे काउंसिल के लोगों ने बहुत सारा प्रचार करके बहुत सारे टेंट्रम 2-2.5 साल से फैला के आपको चिपका दिए हैं। अब एक एक करके बात करूंगा, टू द पॉइंट। बहुत सारे लोगों को मेरा ये वीडियो ऑफेंड कर सकता है क्योंकि मैंने खुद ने कहा है कि न्यू कोर्स, मॉडर्न सिलेबस, इंटरनेशनल सिलेबस, डायनामिक सिलेबस, ये सिलेबस वो सिलेबस आने वाला है। लेकिन जब सिलेबस आउट हुआ और स्टडी मैट आउट हुए तो सिर्फ ख्वाबों का रंग सुनहरा, मतलब पूरे स्टडी मैट का कलर बस ब्लू कर दिया गया है और बाकी सब कट पेस्ट है और कुछ भी नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडीज के जितने भी वर्क करने वाले खास करके रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लानत है, वो बहुत ही आउटडेटेड हैं। उनके पास कुछ भी नया नहीं था, उनको करने की हिम्मत नहीं है। बोर्ड ऑफ स्टडीज को, ICI को, अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज का स्टाफ एंड फैकल्टी का जो पूरा पैनल है उसको बदल देना चाहिए। वो 50 साल पुराना है, उसको समझ ही नहीं है कि दुनिया में आज ACCA हो, CPA हो, सीमा हो, IIMs हो, IITs हो, बी स्कूल्स हो, टॉप बी स्कूल्स हो, फाइनेंस के जितने भी कोर्सेस हो, वहाँ दुनिया कहाँ जा चुकी है। और बड़ी बड़ी बातें करते रहे, प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल के लोग, और कौन कौन सी बड़ी बातें करी, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, न्यू सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड ट्रेनिंग, हाँ, न्यू मोड ऑफ लर्निंग, ग्लोबल सिलेबस, केस बेस्ड स्टडी। बाप रे बाप, सुन सुन के तो ऐसा लगा कि बस कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है। और जो चीज़ें लेके आए हैं, अपना पुराना सिलेबस उठा के इन्होंने डाल दिया। मैं एक एक करके बात करूंगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करूंगा, और सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से बात करने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ओम त्रिवेदी का पर्सनल सिर्फ कोई एजेंडा या ओपिनियन नहीं है। मेरे लिए तो न्यू कोर्स में बहुत काम है, तो मेरे को तो पैसे बनाने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आपको डर भी लग रहा था, बाप रे बाप कितना कोर्स खरीदना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। न्यू कोर्स आसान हो गया आपकी लाइफ के लिए। न्यू कोर्स इज ईजियर देन द एग्जिस्टिंग कोर्स दैट इज ऑलरेडी देयर फॉर November 23। माई डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज आप जानते हो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, कट टू कट बात करता हूँ, और जो भी बात करता हूँ वो आने वाले वक्त में सही प्रूव होती है। अगर आप बिना इस वीडियो के नीचे कमेंट करना चाहते हो तो रश ऑफ ब्लड में कमेंट मत करना, खून गरम होता है ना, कुछ भी आदमी बोलता है, पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट करना, आपको कमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। CA फाउंडेशन से शुरू करता हूँ। CA फाउंडेशन का जो आपका अकाउंटिंग का कोर्स है, इंटर से कुछ चैप्टर उठाए, पुराना वाला CA फाउंडेशन कट कॉपी पेस्ट, नो न्यू वर्क इन CA फाउंडेशन अकाउंटिंग। जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए एक नया सिलेबस होगा, वो फ्रेश पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल। बोर्ड ऑफ स्टडीज ने यहाँ पे कोई भी एफर्ट नहीं डाला, नंबर वन, जहाँ डाला है वहाँ मैं अप्रिशिएट भी करूँगा। दूसरी बात कर लेते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, नो चेंज एट ऑल। बात कर लेते हैं लॉ की, नो चेंज एट ऑल, बस वो पुराने सब्जेक्ट हटा दिए, नए सब्जेक्ट में पुराना इंटरमीडिएट से लेकर के डाल दिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स, नो चेंज एट ऑल, नो न्यू थिंग्स, नो न्यू टेक्निक्स, नो न्यू आइडियाज, नो न्यू चैप्टर, नो न्यू एक्सप्लोरेशन। इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल रहा है, उनके लिए कुछ था ही नहीं, वो बैठ के बस उनको सरकारी सैलरी आ रही है, वो मजे ले रहे हैं, सॉरी टू से लाइक दिस। लेकिन जो हमारी एक्सपर्ट बॉडी है, जो हमारी जो पैनल है, जो फैकल्टीज का, वो जो चीज़ें तैयार करता है, अगर वो अच्छी नई कोई चीज़ तैयार नहीं करता तो मैं किस मुंह से बोलूं कि कुछ नया है। इंटर से काट काट के जो मिक्सिंग करनी थी वो कर दी है, बस
स्टडी मटेरियल का रंग है ब्लू 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 ब्लू, सब कुछ ब्लू है इस दुनिया में, क्या बात है। बात हो रही थी कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ मैसर नहीं चिराग इस घर के लिए, मतलब कहाँ तो कहाँ था पूरे शहर में लाइट जला दूंगा और यहाँ तो पता चला अपने घर में ही चिराग तले अंधेरा है, वहीं लाइट नहीं है नोएडा वाले सेंटर में। अब आगे बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के बिल्डिंग में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं गया हूँ हजारों बार गया हूँ। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट की एक एक करके। अकाउंटिंग ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया, एएस बढ़ा दिया 29, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ाने के लिए आईसीआई को नए सिलेबस की क्या जरूरत है, वो तो अपने चार्टर्ड मैगजीन में अपने स्टूडेंट मैगजीन में अमेंडमेंट्स के थ्रू वो तो ऐड करते ही रहते हैं, वो तो वही बनाते हैं वही देते हैं। बात कर रहे थे फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, वो इंट्रोड्यूस कर लेते, फॉरेंसिक ऑडिट इंट्रोड्यूस कर लेते, आप डेटा एनालिटिक्स इंट्रोड्यूस कर लेते, फिनेंशियल मॉडलिंग इंट्रोड्यूस कर लेते, एक्सेल बेस्ड एग्जांपल यूज कर लेते, एक्सेल का यूज़ कर लेते प्रैक्टिकल पेपर्स में, और नए नए मॉडर्न सॉफ्टवेयर आए तो आप SPSS का यूज़ कर लेते, SAS यूज़ कर लेते, तो मैं समझता कि आप इंडस्ट्री के हिसाब से सिलेबस को जो बी स्कूल्स में जिस तरह से पढ़ाया जाता है तो मैं कहता आपने कुछ अमेंडमेंट किया, आपने कुछ चेंज किया। क्या किया साहब आपने? अकाउंटिंग बिल्कुल 25 से 30 साल पुराना सिलेबस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए आए उनको मॉडर्न थोड़ी बोलोगे यार, उसके लिए न्यू सिलेबस लाने की क्या जरूरत थी, वो तो वैसे भी डाले जा सकते हैं और वो तो जब आते हैं तो इंट्रोड्यूस होते ही आपकी लाइफ में। दिल पे हाथ रख के बोलना क्या मैं गलत बोल रहा हूं, इस नए कोर्स के अंदर उतने अमेंडमेंट है जिससे ज्यादा अमेंडमेंट नॉर्मली आईसीआई हमारे स्टडी मैट में कर देता है हर अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। लॉ में एज इट इज जो सिलेबस था वो एज इट इज है, टैक्सेशन में नो चेंज, नो चेंज मतलब नो चेंज, नथिंग नथिंग हैज चेंज्ड इन योर लाइफ, सिवाय इसके कि 60 और 40 हुआ करता था डीटी आईडीटी, वो कर दिया 50-50 का, बात खत्म। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज को मैं सिलेबस के चेंजेस नहीं मानता, मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक चेंजेज की। अब आ जाते हैं सीएमए में, नो चेंज। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके ऑडिट की, नो चेंज। खुद मेरी सर से बात हुई है, उन्होंने बोला नो चेंज, कुछ है ही नहीं, सब वही पढ़ाना है, कुछ नया नहीं है, बस अरेंजमेंट चेंज हुए हैं, ठीक है। एडीपी ऑडिट का नाम बदल देने से डिजिटल थिंग्स इन ऑडिटिंग से तो बातें थोड़ी चेंज हो जाती है, वही है, एकदम रंग ब्लू कर दिया है। अब बात कर लेते फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो मेरा पेपर है, कमाल हो गया। फिनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस 20% ईजी कर दिया, अरे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फिनेंशियल मैनेजमेंट, ड्राइंग है लोग तुम्हें, नया आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया, कुछ नहीं आया। पहले वाला जो सिलेबस था ना जो November 2023 में एप्लीकेबल है, उससे 20 से 25% सिलेबस घट गया, कैपिटल बजटिंग ही गायब होगी। और लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लो, सेल्फ स्टडी से भी कर लोगे, सही बोल रहा हूँ मैं? किसी को शक हो जो फाइनेंस पढ़ चुका हो तो कमेंट करके बताना मेरे को, मैं 20 साल से फाइनेंस का, मैं खुद एक्विजिशन हेड रहा हूँ दो दो कंपनीज में, तब मैं उस हैसियत से बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस वही पढ़नी है आपको, उससे ज़्यादा का कुछ आपका स्कोप ही नहीं है। अब रही बात स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, उसमें 28 अमेंडमेंट्स किए, उन अमेंडमेंट्स को मेरे जैसे आदमी के लिए कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि 3-4 को छोड़ करके कोई बड़े मॉडल्स नहीं आए, जस्ट लाइक कि पेजेज भरे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत मॉड्यूलर चेंजेस किए हैं, बाकी FM तो घटा ही दिया, सिलेबस ही 25% कम कर दिया, 50-50 मार्क्स का है, दोनों पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के भरोसे नहीं पास कर सकते, प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं पास कर सकते, दोनों को जब तक मिला के नहीं करोगे तब तक 90 पार नहीं होंगे, करेंगे। ये रही इंटरमीडिएट की कहानी, कट टू कट किसी फैकल्टी से पूछ लेना इंडिया के, वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपको डराएंगे ना, उस डर से बाहर निकाल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, क्योंकि नए सिलेबस का बड़ा भौकाल था ना, और इतना सारा इंटरव्यू दिया जा रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में इधर उधर, काउंसिल ने सिर्फ आई वॉश किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज, और वो भी मैं नहीं मानता स्टूडेंट के फेवर में, वो सारे प्रैक्टिसिंग लोगों के फेवर में है। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे मेरे पे बहुत अटैक होने वाला है, आई एम रेडी टू हैंडल दैट, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, सबसे पहली बात ये है, आपको बोलने का हक नहीं है। अरे मैं सीए नहीं हूँ, लेकिन मैं सीए के अंदर इतना घुसा हुआ हूँ और सीए के बोर्ड ऑफ स्टडी से लेके तुम्हारे स्टडी मैट तक लिख रहा हूँ, मुझे एकेडमिकली मैं उससे नेक्स्ट लेवल पे बैठा हूँ आपके सिस्टम के अंदर और आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। और रोज़ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसका पब्लिशर हूँ, आपको शायद पता नहीं है, मैं सीए सीएस सीएमए प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल पब्लिशर लेक्सिस नेक्सिस का इंडिया पार्टनर हूँ, उस हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, तो आप सोच लो कि कंटेंट के बारे में मैं कितना काम करता हूँ, डेटा पे कितना काम करता हूँ। फाइनेंस के साथ ये फाइनेंशियल मॉडलिंग ला देते, डेटा एनालिटिक्स ला देते, तो मैं कहता कि हाँ फाइनेंस का सिलेबस मॉडर्न कर दिया। चलो अब बात कर लेते हैं सीए फाइनल्स की, सीए फाइनल में क्या चेंज किया। एफआर के अंदर लोगों ने कहा कि बहुत सब डायनामिक चेंज हुए हैं, आप एफआर के किसी टीचर से पूछ लेना, इंड एएस आपकी लाइफ का पार्ट है, उसमें चेंज जैसी कोई बात नहीं है। ईआईएस का कुछ पोर्शन उठा के उधर डाल दिया 10 नंबर का,
उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एथिक्स का छोटा सा पोर्शन डाला है, इसके लिए कोई बड़े अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई वॉश, दूसरा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, AFM, बाप रे बाप, AFM पूरी तरह बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। सारे टीचर्स के वीडियो आ गए, 3 टीचर से मैं खुद बातें कर चुका हूँ, उन्होंने बोला आई वॉश है, इतना तो अमेंडमेंट वो नॉर्मली कर देते, 10-15-20 पेजेज जो जोड़ने थे और रीअरेंजमेंट्स करने थे, कैपिटल बस्टिंग को वापस लाना था फिर दूर फेंकना था, तो रिस्क एनालिसिस एंड इन कैपिटल बस्टिंग को वापस लाना था, तो ये काम तो वो वैसे भी कर सकते थे, अमेंडमेंट करने की क्या, जिसके लिए सिलेबस न्यू लेके आने की क्या जरूरत थी, इतने अमेंडमेंट तो नॉर्मली इससे ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, EIS पढ़ा रहा हूँ, SM पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि इतने अमेंडमेंट तो वैसे ही आते थे जब तक न्यू कोर्स अनाउंस नहीं हुआ था, हर बार बुक्स को काफ़ी चेंज करनी पड़ती थी। आप जान के आश्चर्य कर जाओगे कि CA इंटरमीडिएट में तो किसी पेपर में नए क्वेश्चन भी नहीं जोड़े, मतलब मजाक ही कर दिया, सिर्फ पास्ट ईयर RTP डाल दिया, कोई नया क्वेश्चन भी नहीं बनाते ये लोग बैठ के। ये मैं ओपन वीडियो बना रहा हूँ और इस पर मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने स्टडी मैट को स्कैन किया है, वीडियो को पूरा सुन के कमेंट करना। फाइनल के 4 पेपर का स्टडी मैट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ, DT IDT में नो चेंज, ऑडिटिंग के सर से मैं पूछ चुका हूँ, सिलेबस में नो चेंज। तो बेटा ऐसा है कि 5 पेपर में नो चेंज, और आपका रहा IBS SM, जिससे आपको इतना डराया जा रहा है, बहुत टेक्निकल होगा, बहुत भारी होगा, स्टूडेंट जी पता नहीं क्या इतना कुछ पूछेंगे, ये वो दिस दैट, सब लोग, सबसे ईजी पेपर होगा, बोरा भर के बुक लेके जाओ भाई हर हर पेपर के, और एग्जाम दे दो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना यही होगा, मार्क माई वर्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर मुझे इंस्टीट्यूट से बाकी के 5+6+11+4+15 मॉड्यूल को देखने के बाद और सुनने के बाद, अदर देन फ्यू अमेंडमेंट्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, दैट इज नॉट ऑफ न्यू सिलेबस, ये पूरा का पूरा सिलेबस 25-30 साल पुराना कॉमर्स एंड फाइनेंस का सिलेबस है। मैं आपको एक और छोटी बात बताना चाहता हूँ, इट माइट ऑफेंड यू, CA के कोर्स को हम बड़ा कोर्स इसलिए कहते हैं, और है भी, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स है, ICAI बहुत बड़ी बॉडी है, सैल्यूट टू इट, क्योंकि उसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। जहां तक सिलेबस की बात है भाई साहब, बात माफ़ कीजिएगा मुझे, इससे ज़्यादा तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, लेकिन वहाँ टेस्टिंग बहुत ख़राब होती है, मतलब वहाँ रट्टे वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, दुग्गी पढ़ लो, तिग्गी पढ़ लो, ये पढ़ लो, चैंपियन पढ़ लो, कुछ ऐसा पढ़ के जुगाड़ कर लो, वहाँ अगर टेस्टिंग होने लग जाए तो इनके सिलेबस से खराब सिलेबस उनका भी नहीं है, बस वहाँ यही DT IDT वहाँ भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन क्या है वहाँ क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो आपको लगता है BCOM ACOM तो CA के साथ वैसे ही हो जाता है। कोई बंदा जो MCOM पूरी तरह से पढ़ के आया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC से पास करके आया हो, और उसको बिठा दो CA न्यू कोर्स के साथ, SRCC के बच्चे सुन रहे हो तो कमेंट करना, जिस लेवल पे वहाँ के प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं और जिस लेवल पे आप वहाँ फाइनेंस पढ़ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई पोस्ट ग्रेजुएट करके आया हो, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करके आया हो, क्या लेवल होता है यार। उस लेवल पे अगर बात करी जाए, अगर कोर्स को कोर्स की तरह उसकी इज्जत दे के बात करी जाए, तो हमारा जो नया करिकुलम आया है ये उनके बराबर है, उनसे पीछे ही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और मॉडर्न स्किल्स वहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। वो बात अलग है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जुगाड़ करके पास कर जाते हो, गेटिंग माई पॉइंट, वो अलग कहानी है, वो पासिंग एंड टेस्टिंग एंड वो अलग बात है करिकुलम की, एकेडमिक्स की बात हो तो एकेडमिकली ये सिलेबस 25-30 साल पुराना, अगर कोई इसको चैलेंज कर सकता है मेरे थॉट को, तो मुझे लिख के बताए कि कैसे। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को बेस मत बनाना, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ है, वो तो आपको मॉड्यूल में और सिलेबस में देने की क्या जरूरत है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। वो चीज़ तो आपके बच्चे चार्टर्ड मैगजीन में भी आ सकती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैगजीन में, और स्टूडेंट्स जो जर्नल आता है आपका और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जर्नल आता है, वो तो उसमें आती रहती है जो जो चेंजेज होते हैं, और वो आपको अवेयर होना होता है, उसको वैसे भी अमेंडमेंट करके इंस्टीट्यूट सिलेबस में डाल सकता है, डालता रहता है। लेकिन जहां तक बात है सिलेबस को इंटरनेशनल या ग्लोबल बनाने की, तो मुझे एक पेपर या एक पैराग्राफ या एक पेज कोई बताए कि इसमें ग्लोबल क्या बनाया अब तक, 25 साल से 30 साल से जो आपका सिलेबस चला आ रहा है उसमें आपने क्या बदल दिया। अब ये मत बोलना 2013 कंपनी एक्ट डाल दिया, ये तो 25 साल पहले नहीं था भाई, वो तो गवर्नमेंट ने MCA ने अप्रूव किया ना नया लॉ, है तो कॉर्पोरेट लॉ ना। तो ये एक बहुत बड़ा मैं आई ओपनर वीडियो बना रहा था, इसमें बहुत सारी बातें मैंने चैलेंज की है, ये सिलेबस बहुत ही इजी है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी IBS SM कुछ नहीं होगा, पेपर नंबर 6E होगा, F होगा, जो आपका पुराने कोर्स में ऑप्शन में होता था, मुझे तो पक्का यही उम्मीद है। अगर वहाँ इंस्टीट्यूट कुछ नया करता है
अगर कर पाता है एट ऑल, जो मुझे लग नहीं रहा, देखते हैं। क्योंकि बाकी तो टीचर्स ने एक लाइन में बोला है और मैंने भी सारे मॉड्यूल देख लिए हैं उसके बाद कि सर ब्लू किया है बस रंग, बस ये बात वीडियो बना के कोई नहीं बोल रहा क्योंकि मार्केट खराब हो जाती है, फिर बच्चा वो डर का माहौल खत्म हो जाएगा ना। न्यू का जो न्यू है, जो न्यू का डर है, इसीलिए मेरे को इस वीडियो में बहुत ट्रोल किया जाएगा, बहुत अरे कुछ पता नहीं आता जाता कुछ है नहीं, आके बोलने लग जाते कुछ भी बोलते हैं ये बंदा, एनीथिंग कुछ भी, मतलब अपना बाजार चलाने के लिए कुछ भी, मतलब ऐसे ही बोलेंगे मुझे अभी, मुझे पता है। तो मैं उस सब के लिए तैयार हूँ, मैं उन सब से डरता नहीं हूँ, ऐसे बहुत कुछ भी आए मैं अपना सफ़र पूरा करता रहा। मेरा बस, मेरे लाइफ का बस एक ही मकसद है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर तुम साथ आते गए, कारवा बनता गया, बच्चे साथ आते गए, मुझे और किसी की क्या ज़रूरत है। वो एक हैक आया था उस पर भी बहुत सारा गुस्सा किया लोगों ने, लेकिन अब फाइनली देख लिया ना तुमने उस हैक का क्या हुआ, मैंने जो बोला था वही हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के ये सिलेबस बिल्कुल वही सिलेबस है जो पुराना सिलेबस था, 5-10% जो अमेंडमेंट्स हैं वो नेचुरल अमेंडमेंट्स हैं जो कहीं भी आते हैं, कुछ नया इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का कुछ भी नहीं है। अगर काउंसिल के किसी मेंबर ने मेरी बात को चैलेंज करना है तो आके करे। SPOM इज नॉट ए न्यू, उसमें न्यू क्या है, अपने ही सब्जेक्ट को उठा के SPOM में डाल दिया, ट्रेनिंग में ले जाके आपने डाल दिया, जो चीज़ें EIS की चीज़ें वो EIS पहले से थी, ट्रेनिंग में आप क्या ट्रेनिंग देते हो। जो बच्चे ट्रेनिंग लेके आए हैं प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मेरे भी हजारों बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं, सारी कहानी बताते हैं। ITOC में क्या कराते हो, सारी कहानी बताते हैं बच्चे। आप MCS में क्या कराते हो, कौन सारे सज्जनों को बुलाते हो दो चार को छोड़ के, वो सारी कहानी पूरे इंडस्ट्री के एक बच्चे को पता है। तो कोई काउंसिल का भी, कोई एकेडमिक काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या कोई भी काउंसिल या किसी भी कमेटी का आदमी अगर मेरे इस वीडियो को चैलेंज कर सकता है तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर डिबेट करने को तैयार हूं। आपके सिलेबस में नया क्या है, अमेंडमेंट और 10-20 पेजेज को आप नया मत बोलो। अरे हमने तो उधर एथिक्स डाल दिया है 5 नंबर का, अरे भाई ये क्या है, वो तो एक छोटी सी वीडियो 10-20 मिनट की डिस्कशन कर दो, सारा कवर हो जाएगा उसमें। मैं जो पेपर्स पढ़ाता हूँ फाइनेंस सिस्टम एंड स्ट्रेटजी, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और बताओ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में 28 अमेंडमेंट किए हैं, उस अमेंडमेंट में 4 को छोड़ के कुछ भी नया नहीं है, उतना तो आप वैसे भी कर देते, उसके लिए न्यू सिलेबस लाने की क्या जरूरत थी। आपने आर्टिकलशिप का जो प्रोविजन किया उसमें बच्चे को तो आप पूरी तरह से लेबर की तरह यूज़ करने वाले हो, उसको तो पूरा अनपेड जिसको कहते हैं गुलाम आपने पैदा करने हैं मार्केट के अंदर ट्रेनिंग के नाम पे। CAs के लिए आपने ये नया सिलेबस लॉन्च किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनाने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऐसा वैसा लेके आ रहे हैं, एक्चुअली आपने एक पुराना सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, उससे बड़ी उम्मीदें थी, आपने इस सिलेबस में कुछ भी नहीं किया। तो काउंसिल से आगे भी मेरी ये उम्मीद रहेगी कि प्लीज़ भगवान के लिए ये सिलेबस बदल दो, जो बात जो चीज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 30 साल पहले पढ़ा रहे थे वो आप न्यू कह के ला रहे हो, भगवान के लिए कुछ शर्म कर लो, थोड़ा सा बच्चों पे दया कर लो, इंडस्ट्री पे दया कर लो, और हम जैसे लोगों पे जो मॉडर्न चीज़ें पढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं कि नई चीज़ आएगी नया पढ़ाएंगे, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, उनके लिए सोच लो, ठीक है। आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में ना रहो। सो गाइज, आप लोगों को बस इतना सजेशन है, न्यू सिलेबस को लेकर के बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। लोग आपको आएंगे और बहुत सारे औने पौने, बहुत सारा आपके बाजार शुरू होगा, मार्केट शुरू होगी, आपको उस मार्केट के ट्रैप में नहीं फंसना है। नया हमें बहुत काम है, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है, इतनी किताबें, भाई लाख सज्जन लोग तो ऐसे हैं प्रिंट आउट लेके किताबें लेके वीडियो बनाने लग गए, इतना बताओ यार इतनी किताब मुझे पढ़ानी है, 250 घंटे से नीचे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, मुझे तो 400 घंटे लगेंगे, और फीस भी 22,000 होगी। अच्छा सच्ची इतना बदल गया क्या, 22,000 चार्ज करोगे, कमाल ही कर दिया सर आपने तो, है जी बहुत ज़ोरदार हो गया जी। FMSM बहुत चेंज है, नया सिलेबस है, टेस्टिंग बहुत टफ होगी, बड़े सारे केस स्टडीज आएंगे, अब मैं फीस 7,000 में नहीं पढ़ा सकता, अब मैं आपके 12,500 लूँगा। अच्छा जी DT IDT नहीं, फीस तो बढ़ानी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट ने बहुत अमेंडमेंट कर दिए, ठीक है बस जाओ पढ़ाई करो अपने अपने पेपर में। FMSM पढ़ाऊँगा, देखना कुछ भी नहीं है, आज सबसे ईजी पेपर आपका CA इंटर के अंदर FMSM हो चुका है, उसमें जाओ 90 स्कोर करो, अब की बार 90 पार, इससे नीचे बात ही नहीं करूँगा। ओनली SM में तुम कह रहे हो थियरी है उसमें कैसे लाएंगे सर, अरे अपने बच्चों ने FM में तो प्रैक्टिकल है, उसमें तो 50 में 50 लाओ यार, 48 लाओ, हमारे बच्चे तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में 47, 48, 46 स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी, कई कर चुके हैं, एक नहीं कई कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट, करेंगे मिलकर लिखेंगे नई कहानी, लेकिन ये सिलेबस बहुत ही सिंपल एज इट इज पहले जैसा ही कुछ है। ऑल द बेस्ट, पसीने भी आ गए मेरे को, गुस्सा था मैं आज लगता है सच्ची में। ऑल द बेस्ट।